चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाएंगे खबरें विस्तार से। रायपुर से शुरुआत करेंगे। महतारी वंदन योजना के 11,771 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। गलत जानकारी और दस्तावेज जमा किए गए, जिसके चलते ये फॉर्म रिजेक्ट हुए। अविवाहित युवतियों और पुरुषों ने भी आवेदन किया था। योजना के तहत 70,26,352 आवेदन भरे गए, इनमें से 70,14,581 आवेदन पात्र हैं। 8 मार्च को योजना की पहली किस्त जारी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महतारी वंदन योजना के कई फॉर्म ऐसे जो कि रिजेक्ट हुए हैं, करीब 11,771 फॉर्म रिजेक्ट किए गए। गलत जानकारी और दस्तावेज जमा किए गए, जिसके चलते फॉर्म रिजेक्ट हुए। आपको बताएं, अविवाहित युवती और पुरुषों ने भी आवेदन किया था। योजना के तहत 70,26,352 आवेदन भरे गए। आपको बताएं, महतारी वंदन योजना विवाहित युवतियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है, अविवाहित युवतियों के लिए नहीं है। इसी के साथ इसमें और भी कई नियम हैं, लेकिन जिन्होंने नियम के अनुरूप फॉर्म नहीं भरा, उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तस्वीर आप देखिए, कई पुरुषों ने भी महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरा था। राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, कई फॉर्म ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट किए गए हैं, आप बताइएगा प्रक्रिया क्या थी, आखिर किन कारणों के चलते उन फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया और पहली किस्त कब आएगी? देखिए, महतारी वंदन योजना ये सीधे तौर पे शुरू में ही ये कहा गया था कि 21 वर्ष से अधिक जो विवाहित जो महिलाएं हैं वही इसके लिए पात्र रहेंगे, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है। लेकिन इस फॉर्म में कुछ ऐसी भी युवतियां फॉर्म डाल चुकी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म डाल दिया, जबकि ये पूरी तरह से महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई है। देखिए, 11,000 से अधिक जो फॉर्म हैं वो फिलहाल रिजेक्ट किए गए हैं। देखिए, 5 फरवरी से जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो 20 फरवरी तक जारी रहा। इसके बाद 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक आपत्ति पत्र जो है वो जारी किया था, जिसमें अगर जिनको आपत्ति है वो अपना आपत्ति लगा सकते थे। उसके बाद 26 से लेके 29 तक उन तमाम जो आवेदन आए थे उनकी जांच की गई। उस जांच के बाद कल 1 मार्च को शासन की ओर से जो लिस्ट है, सूची, वो जारी कर दी गई है, जिसमें जितने कितने पात्र हैं और कितने अपात्र हैं। इसमें यदि हम बात करें तो देखिए, कुल टोटल आवेदन की हम बात करें तो 70,26,352 आवेदन आए, जिसमें से 70,14,581 आवेदन जो है वो पात्र किए गए हैं। और इस तरह से यदि देखा जाए तो 11,771 ऐसे आवेदन थे जिन्हें अपात्र घोषित किया गया है, जो ऐसे थे जो गलत जानकारी के अभाव में या गलत जानकारी जो है वो दिए गए थे। मुझे लगता है पुरुषों को भी समझ में नहीं आया कि योजना का नाम ही महतारी वंदन योजना है, तो उन्हें ये फॉर्म नहीं भरने हैं। बहुत शुक्रिया राजेश, आपका तमाम जानकारी के लिए।